अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बुधवार को भारत में नकद हस्तांतरण योजना की तैनाती की सराहना की और इसे देश के विशाल आकार को देखते हुए इसे एक साजो सामान का चमत्कार बताया। एक वित्तीय मॉनिटर प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए IMF के वित्तीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाउलो मोरो ने कहा कि वैश्विक ऋणदाता के पास कई उदाहरण हैं कि कंपनियां नकद हस्तांतरण कैश ट्रांसफर्स कैसे करती हैं और भारत से बहुत कुछ सीखना है। IMF के शीर्ष अधिकारी ने यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक समूह WBG के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठकों के दौरान की। मोरो ने कहा, भारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया भर में कुछ अन्य उदाहरणों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास हर महाद्वीप और आय के हर स्तर से बहुत अधिक उदाहरण हैं। अगर मैं भारत के मामले को देखता हूँ तो यह वास्तव में काफी प्रभावशाली है, उन्होंने कहा। देश के विशाल आकार को रेखांकित करते हुए IMF के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह एक लॉजिस्टिक चमत्कार है कि कैसे ये कार्यक्रम बुजुर्गों, किसानों को लक्षित करते हैं। उन्होंने भारत की नकद हस्तांतरण कैश ट्रांसफर्स योजनाओं पर एक सवाल के जवाब में कहा। IMF अधिकारी ने भारत में बहुत सारे तकनीकी नवाचारों की सफलता और नकद हस्तांतरण कैश ट्रांसफर्स योजना को सफल बनाने में विशिष्ट पहचान प्रणाली आधार के उपयोग की ओर भी इशारा किया। IMF के वित्तीय मामलों के विभाग के निदेशक विटोर गेस्पर ने कहा, हम इसमें भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। संदर्भ को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के सबसे प्रेरक उदाहरणों में से एक के रूप में उन लोगों को लक्षित समर्थन के जटिल मुद्दे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, भारत की नकद हस्तांतरण योजना के लिए यह प्रशंसा तब मिलती है जब देश अपनी स्थिति बनाए रखता है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में उल्लेख किया है, भारत के लिए 2022 में 6.8%, जुलाई के पूर्वानुमान के बाद से 0.6% अंक की गिरावट, दूसरी तिमाही अप्रैल जून में उम्मीद से अधिक उत्पादन और बाहरी मांग में कमी आई है। जुलाई 2022 की अपनी रिपोर्ट में IMF ने 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.4% आंकी थी। IMF की GDP वृद्धि पर नवीनतम अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमानित 7% की वृद्धि से कम है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।